मैं आपको भरवा पटल अपने तरीके से बनाना सिखाती हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं उसके लिए क्या क्या सामान लगेगा। भरवा पटल बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने पटल लेकर इसके अंदर के इसके फाड़ के इसे अंदर के बीज को निकाल कर थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। आइए अब इधर मसालों में देखते हैं। ये बीज को मैंने पीस लिया है ग्रेवी में, ग्रेवी नहीं मसाले में बनाने के लिए। कटे हुए ओनियन है, इधर देखिए मैंने कसूरी मेथी लिया है, ग्रीन चिली और थोड़े से काला नमक लिए हैं, ये धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, सॉल्ट, ये मैगी के दो पैकेट मैंने लिए, मसाला ही मैजिक पैकेट है, टमाटो और ये ओनियन के पेस्ट, और इसमें मैंने लहसुन भी डाला है और अदरक भी इसमें मैंने डाला है। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं भरवा पटल। इस पटल में भरने के लिए मसाले की हम लोग तैयारी करते हैं। आइए देखिए, जैसे हमारा पैन गर्म हो जाएगा इसमें हम लोग मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, दो बड़े चम्मच के आसपास हम लोग डालेंगे। आप चाहें तो कोई और भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें ओनियन डालेंगे और गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते करते इसमें वन पिंच सॉल्ट डाल देंगे तो हमारा ओनियन जल्दी फ्राई हो जाएगा। ये देखिए हमारा ओनियन फ्राई हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन और ओनियन के पेस्ट को डालेंगे और इसे भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बाद में हम लोग आगे मसाले डालेंगे। हम लोग कसूरी मेथी, ग्रीन चिली को कट करके डालेंगे और काला नमक दोनों को डाल देंगे। ग्रीन चिली अगर कट नहीं करे तो जल्दी में आप वैसे थोड़े छोटे छोटे तोड़ भी सकते हैं, या आप अपने हिसाब से इसमें ग्रीन चिली कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। टेम्परेचर को करेंगे हम लोग कम और इसमें डाल देंगे टमाटर, ताकि टमाटर भी फ्राई हो जाए। इसे दो से चार बार हम लोग चला लेंगे। इसके बाद ये मैजिक का हम लोग दो पैकेट इसमें डाल देंगे। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और फिर इसे लो मीडियम टेम्परेचर पर भूनते भूनते दो से तीन मिनट तक पीसे, ताकि टमाटर भी थोड़ा नरम पड़ जाए और मसाले भी थोड़े नरम भी पड़े और फ्राई भी हो जाए। टमाटर को भूनते हुए एक से डेढ़ मिनट हो चुका है, अभी और थोड़ा भुनेगा। इसमें तब तक हम लोग थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालकर फिर इसे हम लोग और एक मिनट के लिए भून लेंगे। तब सबसे लास्ट में हम लोग इसको डालेंगे। इसे ज्यादा हम लोग को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो कड़वा हो सकता है। ये देखिए सारे मसाले मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें ये जो मैंने पटल के अंदर से निकाले हुए बीज के पेस्ट है इसे डाल दूंगी। एक दो बार चला लेती हूँ। उसके बाद इसमें सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालें, क्योंकि मैगी मसालाई मैजिक में भी सॉल्ट होता है। पहले भी मैंने थोड़ा सॉल्ट डाला था और काला नमक भी डाला है, इसीलिए आप अपने हिसाब से इसमें सॉल्ट डालें और एकदम लो मीडियम टेम्परेचर पर इसे ढक ढक कर चार से पाँच मिनट तक इसे पकाते हुए भून लें। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। इसे अच्छे से नीचे से छुड़ा लें, नहीं तो कड़वा हो सकता है। अब इसे हम लोग हो चुका है हमारा मसाला। अब इसे ढककर नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक इसे ऐसे ही ठंडा होने तक इसे
ऐसे ढक के रख देंगे। उसके बाद हम लोग इस पटल में इसमें अंदर फिल करेंगे, उसके बाद तब फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अब ठंडा हो चुका है, आइए अब इसमें हम लोग भरते हैं। इसमें थोड़े थोड़े हम लोग भरेंगे। जितना इसमें अट पाए, बहुत ज्यादा अभी ना भरें, जितना अट पाए उसमें उतना भर देंगे। उसके बाद एक धागा लेंगे, धागा में इसको बराबर से चारों तरफ से लपेट देंगे, ताकि ये तलते समय ये हमारा वो खुलकर वो सारे मसाले इसमें से निकल ना जाए। गांठ भी बांध देंगे तो सही रहेगा। ऐसे भी लपेट के ऐसे करके ये हम लोग सारे बना लेंगे। ये देखिए मैंने पटल को इसमें भर लिया है इसमें अंदर, और सारे में मैंने धागे से बांध दिए हैं। आइए अब हम लोग इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं। देखिए अब तलने के लिए रेडी है, और इधर मेरा पैन भी, आइए इधर देखिए पैन भी गर्म हो चुका है। इसमें अब हम लोग मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, और मैंने तो मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, और इसमें धीरे धीरे तलते जाएंगे। आप चाहें तो तवा पर भी इसे बना सकते हैं, एक ही बार ज्यादा ना डालें, दो चार करके ही डालें, ताकि इसको स्पेस मिल सके, अच्छा से चारों तरफ फ्राई हो जाएगा। इसे मीडियम टेम्परेचर पर हम लोग चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मेरा गोल्डन कलर का आ चुका है ये फ्राई पटल। ऐसे ही अब सबको निकाल लेंगे सावधानी से, थोड़ा तो निकल जा रहा है बीच बीच में, इसलिए सावधानी से आप इसे डालें भी और सावधानी से फ्राई करके इसे निकालें भी। इसी तरह और भी हम लोग दूसरा डाल लेंगे। सावधानी से चारों तरफ से हम लोग डाल कर लेंगे। देखिए मेरी थोड़ी सी असावधानी से ये इसके मसाले निकल कर बिखर गए, और पूरा तेल काला हो गया। आप ऐसी गलती ना करें, मैंने तो गलती कर दी है। आप सावधानी से इसे तलें। देखिए ये फ्राई हो चुका है, सावधानी से अब हम लोग निकाल लेते हैं। ये तेल तो खराब हो गया है, इसे आप दोबारा यूज ना करें, नहीं तो बॉडी में खराबी कर सकता है। इसमें जो धागे लगे हैं इसे गरम है अभी, सावधानी से इसे निकाल देंगे हम लोग सारे। देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं, अब इसे हम लोग आइए प्लेटिंग में करते हैं। बहुत ही गर्म है ये, गर्म गर्म ही अच्छा लगेगा खाने में। इस तरीके से हम लोग चारों तरफ से इसे रख लेंगे। यम्मी दिख रहा है। इसे सजाने के लिए बीच में मैंने टमाटर से सजा दिया है, आप देख सकते हैं कितना यम्मी दिख रहा है। इसे आप किसी भी चीज के साथ, रोटी नान राइस किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, पूरी पराठा किसी भी चीज के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस भरवा पटल को बनाना कितना आसान था, मेरी बनाई हुई रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई
तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।